हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में ना तो मैं आप लोगों के साथ कोई ट्रैवल अपडेट शेयर करने वाला हूं, ना कोई सऊदी लेबर लॉ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ प्लान कर रहा था, वो ऑलमोस्ट अभी कंक्लूड होने वाला है, तो इसीलिए मैं कुछ दिनों से कोई कॉन्टेंट आप लोगों के साथ शेयर नहीं करा। ऐसे बहुत सारे अपडेट थे, ना तो मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिस्पॉन्स कर पाया। बस आप लोगों से जब भी टाइम मिलता था तो इंस्टाग्राम में वॉइस मैसेज के थ्रू आप लोगों का जो आंसर रहता था उसको मैं रिस्पॉन्ड करता था। इस छोटे से जो स्टूडियो में मैंने आप लोगों के साथ लगभग मोर देन 500 वीडियोस रिकॉर्ड करा है, एडिट करा है, शेयर करा है, बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करा है, लेकिन आज ही आखिरी वीडियो है जो मैं यहाँ पे बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके बाद आगे का कुछ और प्लानिंग है जो शायद आगे आप लोगों के साथ शेयर करूं, अगर वो सक्सेस होता है या फिर कंक्लूड रहता है। कुछ ये भी हो सकता है कि क्या पता मैं आपके जगह हो जो पीसीसी इंडिया जाके अप्लाई कर रहे हो। चलो ये भी अच्छा होगा, ताकि मैं खुद करूंगा तो आप लोगों को क्लियर बता पाऊंगा। या फिर अगर यहाँ ही पे चेंज करता हूँ एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र, तो उसका एक नया एक्सपीरियंस होगा। अपडेटेड जो ट्रांसफ़र फॉर्मेलिटीज़ है उसको मैं समझूंगा, जानूंगा, एक्सपीरियंस करूंगा, फिर आप लोगों को बताऊंगा। या फिर यह भी हो सकता है कि फुल टाइम यूट्यूब में कंटेंट क्रिएट करूं। बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं। तो देखिए आगे चल के होता क्या है। तो बेसिकली आज मेरा लास्ट वर्किंग डे है यहाँ पे, और बाकी सारे जो वीडियोस है कुछ एडिट करा हूँ मैं, कुछ इन्फॉर्मेशन्स थे आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, लेकिन पब्लिश नहीं करा हूँ। जिनमें दो तीन अपडेट ये भी था कि जो उमरा वीज़ा है वो 1 महीने से 3 महीने का कर दिया है, लेकिन जो एजेंसी वाले हैं वो सिर्फ 25 दिन का ही लगाते हैं। दुबई का वीज़ा जो 90 दिन का लगता था वो अभी 60 दिन का लगेगा। और एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र को लेके भी बहुत सारे नए नए चेंजेस हुए हैं, वो सारी बातें मैं आप लोगों को आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र के लिए शायद मैं भी अगर किसी दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र लूँ तो वो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहेगा, वो तो मैं आप लोगों को क्लियरली बता पाऊँगा। अब तक जितने भी इन्फॉर्मेशन्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है कीवा के बारे में, एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र के बारे में, वो मैंने अपने जो पहले वाले एक्सपीरियंस थे उसके बेस पे शेयर करा है, जो मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ओके, तो ये था अभी तक का अपडेट, जल्दी आप लोगों के साथ मिलेंगे। ओके, यहाँ पे कुछ मेरे कैरेक्टर्स हैं उससे मैं आप लोगों को मिलाता हूँ। ओके, यहाँ पे हैं, ये देखिए यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स हैं जो मेरे ऑफिस में हमेशा ऐसा ही रहता है। इस चारों का कोई नाम तो मैंने नहीं दिया है, ये तो आपको पता है, ये टाइगर है, और ये है पांडा, ये है लियोपार्ड, और ये है फॉक्स, है ना। ये सारे जितने भी, और इधर एक चीज़ है इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, इन सारे जो जानवर हैं इनको मैं अपने पास हर समय जब भी मैं ऑफिस में बैठता हूँ तो मेरे पास ये आगे रहता है। इसके बहुत सारे कहानी हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये तीन जो एनिमल है, इसमें एक एनिमल मिसिंग है, मैं वो भी बताऊँगा आपको। ये हम लोगों का करेक्टर है, ये चार एनिमल जो है वो करेक्टर है हम लोगों का, और इस चार करेक्टर के लोग हम भी हैं और हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं। हर दिन जब भी मैं ऑफिस आता हूं और जो भी आदमी मेरे पास आता है कुछ परेशान करने के लिए या परेशानी लेके या कुछ भी, मैं इन चार जो जानवर है उसमें उसको डिफाइन करता हूं कि इनमें से कौन हो सकता है। एक दिन एक आदमी आया, उसने मुझसे इसका कहानी पूछा कि ये चार जानवर क्या है। मैंने उनको कहानी बताया, वो बोला कि तुम मुझे इन चारों में से किस में कैटेगराइज करते हो। मैंने बोला एक जानवर मिसिंग है यहाँ पे, नहीं तो मैं उस पर कैटेगराइज करता। तो बोला कौन सा, मैं बोला एक गधा मिसिंग है यहाँ पे, डोंकी। ऐसे वो मजाक था, तभी भी मैंने उनको बोला तो उन्होंने बोला हाँ जरूर। मैं बोला जरूर, अगर ऐसा कोई डोंकी मिलेगा तो लेके आना। ओके, तो ये जो यहाँ पे एनिमल है ये पांडा है, ये देखिए इसको मैंने एक रेड पेन से टीका भी लगाया हुआ है। पांडा का भी बहुत सारे, पांडा या फिर भालू बोल लीजिए, उनके अपने बहुत सारे अपने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ये लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ये जानवर जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, अपना इथिक्स को कभी नहीं भूलता। अगर कोई आदमी अगर सांस लेना छोड़ दे, बंद कर दे, तो वो उसको मरा समझ के उसके ऊपर अटैक भी नहीं करते हैं। मतलब इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक होना भी चाहिए, लेकिन कई बार ये नुकसान पहुँचा सकता है,
है ना, धोखा कर किया जा सकता है आपके साथ। ये पांडा तरह के लोग आपको आजकल बहुत कम मिलेंगे आपके लाइफ में, ओके। तो ये पांडा है या फिर भालू बोल लीजिए। इसके बाद आता है ये एक फॉक्स, है ना, लोमड़ी, लोमड़ी सियाल या फिर कुरकट ऐसे वाले लोग बहुत मिलेंगे आपको आपके आजू बाजू में। ऐसे वाले जो जानवर, इसका करेक्टरिस्टिक ये है कि सामने बहुत अच्छा रहता है ये, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा आपको अटैक कर लेगा। तो इस तरह के लोगों से आपको बचना है। कई बार हम लोग भी इसका रूप धारण कर लेते हैं, और कई बार ऐसा सिचुएशन रहता है कि ना चाहते हुए कि भी इस तरह का एक्ट करना पड़ता है। तो इस तरह के लोगों से मैं हमेशा बचना चाहता हूँ और कभी नहीं मिलना चाहता हूँ। अब आता है यहाँ पे दो जानवर, और ये एक है लियोपार्ड और दूसरा है टाइगर, है ना। दोनों बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल है दोनों, कम नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों को अगर हम लोग लड़ाएंगे तो कौन जीतेगा? ये जीतेगा, क्योंकि बहुत पावरफुल है। लेकिन तभी भी ये एग्जिस्ट करता है, ये भी पावरफुल है। जो ये टाइगर है, जब भी कुछ उसको शिकार करना रहता है, पूरा अपना जी जान से उसको शिकार करता है, मार के खा लेता है जो करना रहता है। ये भी उसी तरह से करता है, बहुत तेज दौड़ सकता है, और जब भी उसको जानवर को पकड़ना होता है और वो पकड़ के खाता है। लेकिन ये जानवर कई बार अगर उसका जो शिकार है पैर पे चढ़ जाता है तो वो पैर पे चढ़ के उसको खा लेता है, ओके। मतलब ये कि सिचुएशन के अनुसार ये अपने आप को अडेप्ट करता है। कई बार हम लोगों को भी ऐसा करना पड़ता है, अपने आप को एक्स्ट्रा माइल चलना पड़ता है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ता है, जो मैं करता हूँ हर बार या फिर आप भी करते होंगे ऑफिस में जब हम लोग काम करते हैं। इसके बाद करीब 10 घंटा 8 घंटा का काम रहता है, फिर YouTube के लिए कंटेंट बनाना रहता है। कई बार कई लोग बड़ा बुला भी बोलता है कमेंट में, उनको भी सुनना रहता है, लेकिन तभी भी ये छोड़ता नहीं है शिकार करना, ओके। तो मेरे ख्याल से इन चारों में से जो सबसे बेस्ट जो कैरेक्टर है वो ये लियोपार्ड का होना चाहिए, लियोपार्ड जैसा होना चाहिए कि जब भी जैसा सिचुएशन आए उसको अडॉप्ट करे, एकदम डट के मुकाबला करें। तो ये सारे चीज़ें हैं, ये चार मैं जहाँ भी जाऊँगा इनको लेके जाऊँगा। बाकी दो और चीज़ें हैं, ये मुझे वो याद दिलाता है जब मैं क्वारंटीन में था दुबई, पाम जुमेरिया का जो बीच है वहाँ से मैंने ये सीपिया बोलते हैं शायद, वो लेके आया था। इसको हमेशा मैं अपने ऑफिस के आगे रखता हूँ और मेरे डेस्क के आगे रखता हूँ, ताकि वो मुझे रिमाइंड करता है वो दिन, ओके, जब हर चीज़ जो बहुत ही आसान था एकदम डिफ़िकल्ट हो गया था। शायद इसी के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए, इसी को लेके, कोविड को लेके। कोविड नहीं होता तो शायद मैं यूट्यूब में वीडियो ही क्रिएट नहीं करता। तो ये सीपियाँ हैं कुछ जो मेरे पास हैं, जो मैं पाम जुमेरा बीच से लेके आया था आज से लगभग दो साल पहले। ये 4-7 अक्टूबर को 2 साल हो जाएगा। तो ये सारे अपडेट्स हैं आप लोगों के साथ मैंने शेयर करा है। बाकी जो लेबर लॉ के वीडियोस है वो आप देखते रहिए, जब भी कोई अपडेट होगा तो मैं कम्युनिटी पेज में आप लोगों को अपडेट करूँगा। और सोशल मीडिया अकाउंट्स जो भी हैं वो डिस्क्रिप्शन में है आपके पास, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो या फिर फेसबुक पेज हो। इंस्टाग्राम में आप लोग फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। उसमें जितने ज़्यादा मेंबर्स होंगे मोटिवेशन उतना ही ज़्यादा रहता है और उतने लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे या कुछ दिनों तक मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगा। जब भी मौका मिलेगा फिर से अपना स्टूडियो सेटअप करूँगा और फिर आप लोगों के साथ कनेक्ट रहूँगा। आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।